Hey guys, I welcome you all to my channel SSC Smart Classes. So friend, if you haven't watched the previous video, you can check in the description box. वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको RBI की पॉलिसीज बताई थी. तो उसमें एक टर्म रह गया था NDTL. ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना रह गया था, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एंड द वर्क ऑन मेकिंग PDF इज इन प्रोग्रेस. एज सुन एज द PDF गेट्स कम्प्लीटेड, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक एंड यू कैन टेक ओवर देयर. सो यहाँ पे देखिए NDTL क्या होता है. NDTL मैंने जैसा कि आपको बताया था, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी. तो यहाँ पे ये क्या होता है, GDTL में से अगर आप IBL माइनस करो. GDTL क्या होता है, GDTL होता है आपका ग्रोस या फिर टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, समझेंगे आगे. और IBL इंटर बैंक लायबिलिटी, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि आपका ये क्या हो गया, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होगी प्लस में अदर टाइम लायबिलिटी होगी. उसमें अगर आप माइनस कर दो क्या, डिपॉजिट इन अदर बैंक. फॉर एग्जांपल ये बैंक है, अब इस बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा. बैंक के पास पैसा आएगा FD से, या फिर आपका DD से, डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर RD से, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया आपका, या फिर करंट अकाउंट से, या फिर सेविंग अकाउंट से. इन सारी चीज़ों से बैंक के पास क्या आता है, पैसा आता है. या फिर बैंक अगर किसी से लोन ले ले RBI से, सपोज करो लोन ले लिया, तो बैंक के पास क्या आएगा, पैसा आएगा. अब यहाँ पे जो ये बैंक है, सपोज करो बैंक ने 100 रुपये जो है वो यहाँ पे क्या कर लिए, बैंक के पास नेट 100 रुपये आ गए. अब बैंक क्या करेगा, बैंक आगे जो लोन प्रोवाइड करेगा किस किस को करेगा, दूसरे बैंकों को कर सकता है, गवर्नमेंट को कर सकता है, या फिर जो भी बोरोवर्स होंगे उनको कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये उतने ही रुपए जो है वो नहीं करता जितने इसने उधार लिए हैं, कुछ ये रखता है. जैसे 100 रुपये अगर इसके पास डिपॉजिट में आए हैं, तो ये इनको क्या कर देगा, सपोज करो 50 रुपये जो है वो इनको उधार दे देगा. तो ये 100 माइनस जो 50 होगा, विच इज इक्वल टू 50, यही क्या है, नेट जो बैंक के पास पैसा बचता है, ताकि बैंक जो है वो बैंकक्रप्ट की कंडीशन पे ना आ जाए. अगर सपोज करो ये 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आ गए इन द फॉर्म ऑफ FD, DD, CA, SA, तो यही पैसा अगर इसने सारा का सारा किसी बोरोवर को दे दिया. फॉर एग्जांपल जैसे विजय माल्या की हम बात करते हैं, उसने 100 के 100 रुपये विजय माल्या को दे दिए और वो भाग गया, तो ऐसे में तो बैंकक्रप्ट कंडीशन आ जाएगी. तो वो पूरा नहीं देता है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा देता है. 100 है तो 50 रुपये दे दिया, तो जो 100 में से 50 बच गया, तो 50 क्या हो गया, हमारा NDTL हो गया. और उसी NDTL का भी बैंक को जो है वो कुछ परसेंट जो है वो CRR के रूप में रखना पड़ता है. मेरे ख्याल से आपको NDTL समझ आ गया होगा. मैंने पहले ब्याज के रेफरेंस में बताया था, वो भी ठीक था, ये थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बजट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं. और जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम जो है वो आगे होने ही वाले हैं, तो बहुत ही काम आएगी आपकी ये PDF. इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री की भी बहुत बेस्ट PDF बनाई है मैंने, आप जाके देखिएगा. मेरे जो आप स्टोर विजिट कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है. स्ट्रक्चर ऑफ बजट देखते हैं. जो गवर्नमेंट का बजट होता है, एक्चुअली हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे. बजट रिसिप्ट और आपका बजट एक्सपेंडिचर हो गया. तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. बजट रिसिप्ट में आगे फर्दर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और कैपिटल रिसिप्ट हो गया. ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, इसमें मतलब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट को जो पैसा है वो टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा है, और आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है. तो आपका टैक्स रेवेन्यू कैसे हो गए, जैसे आपके डायरेक्ट टैक्सेस हो गए और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, दोनों मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करवाए हैं. ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब जिस पर्सन पे ये लगाया जाता है वो ही इसको भरता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिस पर्सन पे ये लगाया जाता है वो इसको नहीं भरता, अल्टीमेटली कोई और भरता है. जैसे वी आर द कंज्यूमर, वी आर एक्चुअली पेइंग दैट टैक्स. जैसे सेल टैक्स हो गया, वेट हो गया, ये सभी क्या है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं. GST भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है. आगे देखिए, कैपिटल नॉन रेवेन्यू टैक्स हो गया आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू. जैसे आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, फीस एंड फाइन्स हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट हो गया, स्पेशल असेसमेंट और टैक्सेस हो गए. उसके बाद देखिए, आपका बजट एक्सपेंडिचर हो गया. यहाँ पे देखिए, बजट रिसिप्ट में एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमने पढ़ लिया, एक है आगे आपका कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, आपका डिसइन्वेस्टमेंट आ गया,
रिकवरी ऑफ द लोन्स आ गया, बोरोइंग्स आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कैपिटल रिसिप्ट में। इनके बारे में आगे फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद देखिए बजट एक्सपेंडिचर में, मतलब गवर्नमेंट अपना कैसे कैसे खर्च कर रहा है, उसमें भी दो टाइप की हैं। एक रेवेन्यू, जिस तरह से आपका रेवेन्यू आए, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इस तरह से कैपिटल रिसिप्ट हो गया, इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, तो पहले पढ़ते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नोर कोज एनी रिडक्शन इन द एसेट। एसेट की फुल एसेट की जो मतलब है वो मैंने आपको बताया था। एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच कोजेज प्रोडक्शन इन द फ्यूचर। अगर मैं किसी सर्विस की बात करूँ तो सर्विस एसेट के अंदर नहीं आता, क्योंकि सपोज करो आप किसी शॉप में गए, आपको किसी ने मैनेजर की पोस्ट दे दी, या आप बार्बर की शॉप पे गए, ठीक है, आप सैलून में गए, बार्बर की शॉप पे गए, ठीक है, आपने फेस वॉश अपना करवाना है या फिर आपने फेशियल अपना करवाना है, तो आपने उसको पैसे दिए और उसने आपका फेशियल किया, तो वो आपका कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, वो एक तरीके की सर्विस है। मतलब उसको आपको जो है इन फ्यूचर कोई एसेट नहीं मिल रहा, उस चीज़ का कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, वो तो जस्ट आपका इंस्टेंट है, आपकी एक तरीके की सर्विस के आप उसको पैसे दे रहे हो, तो वो एसेट नहीं है। एसेट क्या होता है, एनीथिंग विच कोजेज डेट कोजेज प्रोडक्शन इन द फ्यूचर, एनीथिंग विच हैज सम मोनेटरी वैल्यू, जैसे गोल्ड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सब क्या है आपकी एसेट है। तो विच ठीक है, विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, जिम्मेदारी। जैसे बैंक को आपने पैसा दिया करंट अकाउंट या फिर एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट के रूप में, तो अगर कल को आप डिमांड करो तो आपको बैंक को जो है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको पैसा दे, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नोर कोज एनी रिडक्शन इन द एसेट, और एसेट में रिडक्शन इसमें से नहीं होती गवर्नमेंट को। दे आर रेगुलर, ये रेगुलर है, रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब बार बार होता है, ठीक है, इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव दैम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो टू टाइप्स की होती हैं ये आपकी, वो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं, वट आर दोज टू टाइप्स, ठीक है, मतलब इसका जो मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो टू टाइप्स में वही, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड नोर कोज एनी रिडक्शन, मेन चीज ये है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे आपका हो गया, आपका लाइसेंस फीस होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी लाइसेंस फीस होगी। अब जैसे ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट की मैंने आपको बताई कि कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं होती, कोई जिम्मेदारी, जैसे टैक्सेस हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, आपको भरना ही भरना है डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट की कोई आगे जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको आपको टैक्स रिटर्न करना है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट उससे अपना खर्च चला रहा है, तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि गवर्नमेंट आपको दोबारा पैसे दे। सो ऐसे ही नॉन टैक्स में, सॉरी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है, तो मतलब आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, आपको बस गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट के कोई एसेट में रिडक्शन आई नहीं है, गवर्नमेंट को सिर्फ मिला है, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट होती गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपके पास आती है जैसे लाइसेंस फीस होगी आपकी, ठीक है, लाइसेंस फीस आप किसी भी चीज़ के लिए, आपने जैसे कोई नई दुकान खोली है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के आपको करवानी पड़ती है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है लाइसेंस के लिए, जैसे आपको गन रखनी है तो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को आप एक तरीके से फीस दे रहे हो, और गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट को आपको वो पैसा वापस करना है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का ही है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स हो गया आपको फ्लड के दौरान, या फिर किसी अर्थक्वेक आ गया, कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, आपकी वार आ गया, तो उसमें आपको जो ग्रांट दी जाती है तो वो आपको वापस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो फाइन एंड पेनल्टीज हो गया, जैसे आपका कोई चलान कट गया, ठीक है, ऐसे ही कोर्ट फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट ब्याज के रूप में मनी मिलते हैं, गवर्नमेंट ने अगर कोई पैसा जो है वो गवर्नमेंट बैंक हो गए, अगर उन्होंने कस्टमर्स को पैसा दिया तो वो तो उसके पास वापस आना ही है, ठीक है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना ही लेना है। उसके बाद देखिए प्रोविडेंट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू PSUs, लाइक इंडियन रेलवेज हो गया, LIC हो गया, बेल हो गया, फिर जितने भी आपके प्रॉफिट के साधन हो गए, जैसे आपका बस सर्विस हो गया, ठीक है, तो बस सर्विस में आप क्या यूज़ करते हो और बदले में क्या देते हो, आप पैसे देते हो, मनी देते हो, टिकट आप कटवाते हो, ठीक है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट आपको रिटर्न नहीं करने वाली वो। उसके बाद देखिए मतलब गवर्नमेंट के उसमें लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, और कोई एक तरीके की
एसेट की जो है वो रिडक्शन नहीं हो रही, गवर्नमेंट के पास कोई एसेट की रिडक्शन नहीं हो रही इससे। और एसचीट, एसचीट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये सीधा मतलब आपके इंग्लिश में भी पूछा जाता है एसचीट का मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि जो पर्सन बिना किसी विल के मर जाता है या फिर उसके पास कोई ऐसा, उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो वो सीधा गवर्नमेंट के उसमें चली जाती है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर ले लेती है। तो आगे देखिएगा कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट जस्ट इसका उल्टा है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी भी बनती है और एसेट में रिडक्शन भी आएगी किस तरह से। और ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होता और एक रूटीन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है बोरोइंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो पैसा उधार लेते हैं, जैसे आरबीआई से पैसा लिया। अब गवर्नमेंट ने अगर आरबीआई से पैसा लिया है तो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी भी बनती है उसको पैसा वापस भी करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए, जैसे मार्केट में बॉन्ड्स इश्यू करना अलग अलग तरीके के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से अगर आपने लोन लिया है तो वो आपको चुकाना भी है। और उसके बाद देखिए फॉरेन गवर्नमेंट से आपने जितनी तरह की फॉरेन बोरिंग्स की हैं। उसके बाद देखिए डिसइन्वेस्टमेंट, अगला है आपका कैपिटल रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने जैसे आपको बताया ना कि नॉन रिकरिंग होता है, बार बार आप लोन नहीं लेते, ऐसा नहीं है कि फिक्स रूल है वो, तो आपको जब जरूरत पड़ती है आप तभी उसको लेते हो, तो नॉन रूटीन ही नेचर हो गया। और दूसरा है कोई एसेट में रिडक्शन इससे आती है। अब यहाँ पे जब आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, अब आप एक तरीके से अपना पैसा खींच रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट खींच रहे हो। जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने भेल का डिसइन्वेस्टमेंट किया है, भेल कंपनी, तो उससे क्या होगा, अपना पैसा वो खींचा है तो उसका, गवर्नमेंट का तो एसेट जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है ना। तो यहाँ पे यही है डिसइन्वेस्टमेंट, तो मतलब एक लाइबिलिटी भी होती है। तो गवर्नमेंट ने अगर आप अपना जो वो पैसा खींचा है तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स भी बेचती है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि उसके बदले वो उसको दे भी रही है कुछ, ठीक है। तो वो एक लाइबिलिटी भी हो जाती है, उसके बदले में दे भी रही है। एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द सिलेक्ट पीएसयू हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, किसान विकास पत्रास, रिकवरी ऑफ लोन्स, तो ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे रिकवरी ऑफ द लोन्स हो गया, तो रिकवरी ऑफ द लोन्स में आपका क्या हो गया, रिकवरी ऑफ द लोन्स जैसे आपके कोई एनपीए अकाउंट है, आपने जैसे क्या करा, दिल्ली गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ रुपया क्या कर दिया, वो कर दिया आपने, उसको उधार दिया है। अब 1,000 करोड़ में अगर उसको विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को, अगर सपोज करो 15 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, तो वो तो इसका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। तो किसके बदले उसकी कोई एसेट में रिडक्शन नहीं आई है, 1,000 करोड़ तो वो तो मूल है, वो तो उसको मिले मिलेगा। लेकिन अगर आप लोन की रिकवरी कर रहे हो तो वो तो इंटरेस्ट तो दूर की बात है, वो आपका मूल भी ना दे रहा, तो वो आपके 1,000 करोड़ में से उसने अपने एक सेटलमेंट कर ली कि भाई मैं तो आपको 500 करोड़ रुपए ही दूंगा, ठीक है। यानी कि उसके एसेट में भी रिडक्शन आई है, उसको कुछ फायदा भी नहीं हो रहा, तो एक तरीके से ये पैसा खींचने वाली ही बात होगी। तो रिकवरी ऑफ द लोन्स, अगर तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, अगर तो वो इंटरेस्ट दे रहा है तो वो तो क्या हो गया, उसका रेवेन्यू उसमें आ गया, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ गया। अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा और आप रिकवरी ऑफ द लोन्स कर रहे हो, 500 करोड़ क्या है उसके, एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखिएगा आप, आगे है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिशल ईयर। इट शोज द रेवेन्यू एंड द कैपिटल डिस्पर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को आगे किस तरीके से वो कैपिटल आपको देनी है, उनको पूंजी बांटनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया इसमें, जैसे आप इम्प्लॉयज की सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट पेड ऑन पास्ट डेब्ट, सब्सिडीज, पेंशन, ये सब इसके अंदर आती है। रिकरिंग इन नेचर होती है ये, सॉरी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आप कोई एसेट जो है वो क्रिएट नहीं करते, इट डजंट क्रिएट एनी एसेट एंड नो रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। और एसेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो डेट डजंट क्रिएट, अगर आप किसी को पैसे के बदले में आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सो डजंट क्रिएट एसेट, एसेट विच कॉजेज एनीथिंग विच कॉजेज प्रोडक्शन इन नेचर। सो यहाँ पे आप
उसको एसेट कोई क्रिएट नहीं कर रहा, नॉट क्रिएट एनी एसेट एंड नो रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी, और गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी में जो हो रही है वो रिडक्शन नहीं आ रही। जैसे सैलरी ऑफ इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज को आप सैलरी दे रहे हो, वो आपके बदले इसके बदले वो काम कर रहे हैं। सपोज करो आप एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे, वो सारा काम मैनेज करता है, तो आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को कोई एसेट क्रिएट करके नहीं दे रहे हो, आप सर्विस के जो है वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तो इट डजेंट क्रिएट एनी एसेट। और गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी, उसमें भी कोई रिडक्शन आती नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट की कोई एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड डिपॉजिट लाइबिलिटी, कि आपके गवर्नमेंट बैंक में आपने क्या करा, पैसे जमा करवाए, तो आप जो है वो विद इन अ फिक्स टाइम अगर आपने एफडी कराई है, तो वो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि आप जब डिमांड करो वो फिक्स टाइम पूरा होने के बाद आपको जो है वो डिमांड करने पे वो पैसा बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई एक जिम्मेदारी नहीं है, आप काम कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन पास्ट डेब्ट, अब सरकार ने कहीं से भी कुछ भी पैसा लिया है तो सरकार को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, ये कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बदले उन्होंने ये दिया है, नहीं, आपने लोन लिया है तो वो आप जो है लोन उसको पे कर रहे हो, सिंपल। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, सब्सिडी हो गया और पेंशन भी हो गया, ये सबके एग्जाम्पल है। सब्सिडी हो गया, अब सब्सिडी जो है वो सरकार को देनी ही देनी है, ठीक है, तो उसके बदले सरकार को कुछ मिल नहीं रहा, कोई एक सरकार की लाइबिलिटी इससे रिड्यूस नहीं हो रही, सरकार की कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, बट ये सरकार को देना ही देना है। सब्सिडी है तो वो सरकार दे ही रही है, रिकरिंग होता है। अब ऐसा नहीं है सब्सिडी या पेंशन बंद हो रही है, लेकिन वो देनी ही देनी है, पेंशन है, उसके बदले तो आपको कुछ नहीं मिल रहा ना। पेंशन आप दे रहे हो, जो भी रिटायर्ड अफसर हो गए हैं उनको आप पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की कोई एक तरीके से लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, बस गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी जो है वो नहीं है कि उसने आपको ये दिया है तो आपको वो चीज़ लौटानी पड़ेगी, जिम्मेदारी उस चीज़ को कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए रिकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार हो रही है। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस इज ट्रीटेड, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या फिर सर्विसेज में मेंटेनेंस में जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है नॉर्मल रनिंग में, रूटीन में, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जितने भी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, अगर वहाँ पे आप कोई सपोज करो नई मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप बैंक में ही हैं, बैंक में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, आपने नए चेयर टेबल या फिर जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं, फैन है, एसी है, अगर रिपेयरिंग करवा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा आता है डेट इज कॉल्ड नॉर्मल रनिंग, ये देना ही देना है। इसके मतलब गवर्नमेंट की कोई एक जिम्मेदारी नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि किसी ने उसको कुछ उधार दिया है तो उसके बदले उसको देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लाइबिलिटी का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसी ने अगर पैसा दिया है, ठीक है, तो उसको वो पैसा उसके बदले लौटाना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, वो एक लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी इस सेंस में समझो आपकी एक जिम्मेदारी क्रिएट हो रही है। जैसे टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी मैंने आपको बताया कि अगर बैंक में आपने कोई एफडी करवाई है तो एक फिक्स टाइम के बाद बैंक को वो पैसा आपको देना पड़ेगा जब आप डिमांड करोगे, तो डेट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ऑन द बैंक क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैं टैक्सेस की बात कर रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स और आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो ये आपको टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, ये आप टैक्स जो है वो पे करना ही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इसे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी विच नाइदर क्रिएट, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही कि गवर्नमेंट को कि आपने गवर्नमेंट को पैसा वापस करना ही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इससे जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, या फिर कोई एसेट में रिडक्शन नहीं हो रही, राइट। लेकिन जब कोई सब्सिडी का पैसा है या फिर पेंशन का पैसा है, आपको देना ही है वो, ठीक है, आपको देना है, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती कि वो आपको वापस करेगा, कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। आगे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर,
सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ते हैं, इससे एसेट भी क्रिएट होता है एंड कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट भी क्रिएट होता है और गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है उसमें भी रिडक्शन होता है। इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लोन टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब सीधी सीधी सी बात है, आपने लोन दिया है भाई, तो लोन देने के बाद क्या हो रहा है, आपका एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है। किस तरह से, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आपने चंडीगढ़ को सपोज करो 500 करोड़ रुपया क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब ये आपको हर मंथ जो है वो इंटरेस्ट दे रही है, सपोज करो 1-1 करोड़ रुपए आपको हर मंथ क्या कर रही है, ये इंटरेस्ट पे कर रही है। तो भैया आपका तो एसेट क्रिएट हो गया ना, आपके पास मनी आ रही है, गवर्नमेंट के पास मनी आ रही है, एंड इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं विद इन एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मैंने कहा कि आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को आपने 1,000 करोड़ रुपया क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के रूप में वो सपोज करो दे देगा, हर महीने वो 1 करोड़ रुपया सपोज करो इंटरेस्ट के रूप में आपको दे रहा है, तो आपका एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में रिडक्शन भी आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप वर्ल्ड बैंक की ही बात कर रहे हो, वर्ल्ड बैंक की मैं बात करता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी में रिडक्शन आना। इसका मतलब होता है किसी चीज के बदले में कोई चीज, एवज समझते हो आप, इसके बदले में ये, अगर आपने 1,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो आपने लिया है, मूल की मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, तो ये लाइबिलिटी आपकी बनती है। आप इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो तो डेट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज होगी, लेकिन लाइबिलिटी आपकी ये है, ये जिम्मेदारी है कि आपको 1,000 करोड़ तो देना ही देना है उसको, ये मूल है। तो अगर वो जो 1,000 करोड़ आपने मतलब लिया है वर्ल्ड बैंक से, 1,000 करोड़ रुपया अगर आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है 1,000 करोड़ रुपया। अगर आप इसको जो है वो 500, जैसे मैंने आपको बताया ना रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, कि आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो जो भी आपने उधार लिया, तो IMF को आपने 500 करोड़ रुपया आपने क्या कर दिया, इसको रीपे कर दिया, आपने इसको वापस कर दिया। अब आपके पास जो लाइबिलिटी है वो 500 करोड़ की बचेगी, यानी आपको IMF को अब 500 करोड़ रुपया या वर्ल्ड बैंक को जिससे भी आपने पैसे लिया तो वो 500 करोड़ आपको देना है। ठीक है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डेट इज अ जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया, लेकिन अगर आप ये जो मूल है इसको अगर आप रीपे कर रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। अभी पहले आपकी लाइबिलिटी थी कि आपको 1,000 करोड़ रुपया देना था वर्ल्ड बैंक को, अभी लाइबिलिटी रिड्यूस होकर आपकी 500 करोड़ होगी। होप ये चीज समझ आई होगी आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग रोड्स, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के बदले में कोई चीज, अब यहाँ पे जब एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसमें मैनेजर भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो तो आपका एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया, लेकिन वो अल्टीमेटली इन द फ्यूचर आपके पास क्या होगा, एक फ्लाईओवर बन गया, आपके पास एक बिल्डिंग क्रिएट होगी, वो चीज आपको दिख रही है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर की तरह समझो, हार्डवेयर द पार्ट विच कैन बी टच्ड एंड द सॉफ्टवेयर विच कांट बी टच्ड, तो सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से जो पार्ट आप टच कर सकते हो दिख सकता है, एसेट की क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग तैयार करके आपको मिल रही है, एवेज हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, मतलब इसके बदले जो है वो मतलब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से चीजें खरीदी भी होंगी। अब वो पुल बनाने के लिए मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा है, पुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ईंटें भी खरीदी हैं, सरिया भी खरीदा है, सीमेंट भी खरीदा है, तो गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को उन सारी चीज़ों को पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की अलग खर्चे हैं, जैसे आपको बताया
उस पुल को बनाने के लिए इम्प्लॉयज लगे होंगे, इंजीनियर्स लगे होंगे, उनको जो वो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है. लेकिन मेन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये चीज़ हमारी क्या होती है, मेन जो मोटी पूंजी होती है जो हम उसमें लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो उसके बाद खर्च हो रहे हैं वो हमारे रेवेन्यूज के अंदर आते हैं. लेकिन जो मेन खर्च हो रहा है, जिससे हमारी लाइबिलिटी में रिडक्शन आ रही है, जिससे हमें एक एसेट क्रिएशन मिल रहा है, वो आपका कैपिटल हो गया. कैपिटल मतलब पूंजी, राइट? तो ये चीज शायद समझ आ गई होगी. उसके बाद देखिए, परचेस ऑफ द मशीनरी, रिपेमेंट ऑफ द लोन्स, राइट? तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको. उसके बाद देखिए, आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है. हर बार ऐसा नहीं है कि फूल बने ही बनने हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता. अब सब्सिडीज और पेंशन है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है, वो तो देनी ही देनी है. दैट इज कॉल्ड रिकरिंग इन द नेचर. उसके बाद देखिए, इट इज इनकर्ड फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट. ठीक है, ये बेसिकली जो भी मतलब कैपिटल एसेट है एक्वाइजिशन के लिए जो भी होता है, इट इज इनकर्ड, वो लगाए जाते हैं फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट. जैसे कंपनी शेयर खरीद ले. उसके बाद देखिए, इट इज जनरली लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर, लंबे समय के लिए. अब जैसे कोई भी पुल बन रहा है, कोई भी फ्लाईओवर बन रहा है, तो भाई लंबे टाइम के लिए बनता है वो. मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें बेसिकली आप जो खर्चा कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर आपकी लग रही है, वो एक लंबे टाइम के लिए लग रही है. ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आपका आता है डेफिशिएट. डेफिशिएट का अगर मैं हिंदी में मतलब कहूँ तो इट इज नोन एज घाटा. तो बजट डेफिशिएट होता है. इसमें भी आपका तीन तरह के होते हैं. एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिशिएट, एक होता है आपका ऑफिशियल डेफिशिएट, और एक होता है आपका प्राइमरी डेफिशिएट. जो बजट डेफिशिएट होता है, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको मतलब बता देता हूँ. इट इज अ फाइनेंशियल सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू. खर्च ज्यादा हो रहा है कमाई से, तो इट रिलेट्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नोट द इंडिविजुअल स्पेंडिंग. आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट के बारे में. सो रेवेन्यू डेफिशिएट आपका क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका कंसर्न होता है, एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो आय होती है रेवेन्यू वाली. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वाली आपकी आय होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस के रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट विच इज इक्वल टू डेफिशिएट. वही घाटा हो गया भाई, खर्च ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो वो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट हो गया. अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन 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 से थे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से थे. रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वो पैसा लौटाना है. ठीक है, ठीक है. और इसमें गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, खर्चा जो है वो कमाई हो रही है. ठीक है, गवर्नमेंट की ये कमाई है, जैसे टैक्सेस से हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड अलग अलग तरीकों से. तो उसके बाद देखिए, वेयर इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड इज टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट आउंस रेवेन्यू इज इनसफिशियंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज. ये बड़ा ईजी सा है. नेक्स्ट है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिशिएट. इम्प्लीकेशन, इसके क्या क्या प्रभाव आगे पढ़ सकते हैं. द रेवेन्यू डेफिशिएट हैज टू बी मेट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट दैट फोर्सेस अ गवर्नमेंट टू आइदर बोरो और सेल इट्स एग्जिस्टिंग एसेट विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द एसेट. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेवेन्यू डेफिशिएट होता है, इसमें मैंने आपको बताया था रेवेन्यू इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में कि गवर्नमेंट की क्या हो रही है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट के एसेट में कोई क्या हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही है. एसेट में कोई रिडक्शन इसमें नहीं हो रही है. गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से पैसा मिल रहा है, जैसे टैक्सेस के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो घाटा होता है, ठीक है, इफ देर इज अ डेफिशिएट, सो द गवर्नमेंट क्या करेगी, द रेवेन्यू डेफिशिएट वो मेट कहाँ से वो पूरा करेगी, फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट से वो पूरा करेगी. ठीक है, और उसमें आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अब कैपिटल जो रिसिप्ट है जिसमें आपकी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है और क्या होता है, एसेट में रिडक्शन भी होती है, और ये नॉन रिकरिंग होती है. इसमें जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल जो भी आपकी कैपिटल कैपिटल से जो अर्निंग हो रही है, जैसे कि आपका बोरोइंग्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, ये सारी आपकी क्या थी, कैपिटल रिसिप्ट थी. तो गवर्नमेंट क्या
क्या करेगी डेट फोर्सेस अ गवर्नमेंट टू आइदर बोरो और सेल इट्स एग्जिस्टिंग एसेट. वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी भी ताकि उसका रेवेन्यू, मतलब एक तरीके से कैपिटल के ऊपर चली जाएगी. रेवेन्यू जो आ रहा था ना उससे शिफ्ट होके वो कैपिटल की तरफ आ जाएगी, मतलब पैसे उधार लेना, डिसइन्वेस्टमेंट, या सीधा सीधा सा मतलब मैं ये कहूँ ना, रेवेन्यू मतलब कमाई, और कैपिटल एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट वो चीज़ें होंगी जिसमें वो कमाई नहीं एक तरीके से कह सकते हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा ही पैसा है. मतलब एक तरीके से कोई चीज बेच के, जैसे गोल्ड बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा उधार ले लिया, वो सारी चीजें कैपिटल उसके अंदर आती हैं, तो वो उस पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो एक तरीके से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है. रेवेन्यू एक गवर्नमेंट की सही इनकम है. तो उसके बाद देखिए, यूज ऑफ द कैपिटल रिसीव फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बढ़ेगा बेसिकली. उससे आगे देखिए, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द प्रपोज्ड बजट. जैसा वो बजट बजट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलता नहीं है, तो गवर्नमेंट की इन अयोग्यता को जो है वो इनएप्टनेस को दिखाता है. उसके बाद देखिए, विद मोर एंड मोर बोरिंग्स द बर्डन टू रिपे द लाइबिलिटी एंड द इंटरेस्ट इंक्रीज इट डेट रिजल्ट इन टू द लार्जर रेवेन्यू डेफिशिएंट इन द फ्यूचर. मतलब ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करने पर क्या होता है, जो बर्डन है बेसिकली टू रिपे द लाइबिलिटी, उस जिम्मेदारी को रिपे करने का, एंड द इंटरेस्ट इंक्रीजेस वो बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या क्रिएट होता है, बेसिकली ये लार्ज रेवेन्यू डेफिशिएंट जो है इन फ्यूचर में क्रिएट होता है. आगे देखिए, मेथड टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिशिएंट. तो कैसे मेथड होते हैं, एक तो अपना एक्सपेंडिचर भाई कम करो, सीधी सी बात है, और इंक्रीज रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, यानी कि टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट की तरीके से अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट बढ़ाती है. फाइन लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा हाई एंड रिच क्लास लोगों के ऊपर, ठीक है, ये कर दो, शराब के ऊपर टैक्स लगा दो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो. अल्टीमेटली भरता कौन है, कंज्यूमर भरता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. आगे देखिए, फिशल. फिशल में बेसिकली क्या होता है, द फिशल डेफिशिएट रेफर्स टू द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट टोटल बजट एक्सपेंडिचर. टोटल बजट एक्सपेंडिचर में मतलब इसमें रेवेन्यू भी आ गया और कैपिटल भी आ गया, दोनों का जो एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली फिशल, मतलब टोटल ही जो वित्तीय में आपका टोटल आता है, फिर एक्सीड द टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. सो बेसिकली क्या होता है, फिशल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग. हाँ, इसमें आप देखिए बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हो. बोरोइंग्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपका रेवेन्यू प्लस सी, ठीक है, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर और कैपिटल में जो एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, अब ये इसमें से टोटल रिसिप्ट डेट इज रेवेन्यू प्लस सी. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे आप कोई रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, या रिपेमेंट ऑफ द लोन कर रहे हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, पेंशन दे रहे हो, वो सब, ठीक है, जो कि एसेट की क्रिएशन नहीं करता, तो वो हो गया. अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल रिसिप्ट आ रही है उसमें आप बोरोइंग्स भी कर रहे हो, उसमें आप दो तरीके से होता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट होता है एक, तो एक होता है बोरोइंग्स. तो बोरोइंग्स में आप आरबीआई से पैसा ले रहे हो, या फिर आप मार्केट में बॉन्ड इश्यू कर रहे हो ओपन मार्केट ऑपरेशन से, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप पैसा ले रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट से आप पैसा ले रहे हो, वो एक्सक्लूड कर रहे हैं इसमें ये फिशल डेफिशिएट में, ठीक है. तो इट रिप्रेजेंट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस. ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें प्रदर्शित करता है एक बजट का जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है. क्यों? क्योंकि इसमें हम बोरोइंग्स नहीं देखते भाई. तुमने उधार ना लेकर के भी तुम्हारा घाटा चल रहा है, तुमने उधार भी नहीं लिया. अब हम कह सकते हैं ना, भाई तुमने उधार लिया है, इस करके तुम उस उधार के बोझ के तले दबे हुए हो, लेकिन तुमने तो उधार भी इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, तब भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, यानी कि तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई स्कीम्स है उसमें पैसा वेस्ट जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ मुनाफा नहीं हो रहा. तो ये बेसिकली एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द बजटरी इम्बेलेंसेज को रिप्रेजेंट करता है. इट इज वाइडली यूज्ड एज अ बजटरी टूल्स फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन द इंडिया. इंडिया में बेसिकली जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, ठीक है, वो उसमें बजट के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं, ये उस चीज को भी एक बड़ा सही टूल है डिटरमाइन करने का. अगर रेवेन्यू
रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, बजट रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड बट द कैपिटल बजट इज इन डेफिशिएंट। देखिए वही मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज रेवेन्यू बजट आपका अगर बैलेंस तो वो तो लगभग बैलेंस ही हो रहा है, बैलेंस इन द सेंस वो तो सरकार के पास पैसा आ रहा ही है रेवेन्यू बजट, ठीक है। चलो खर्चा सरकार ना करे, ऑल दो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट जो है वो जनता पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द जितने गवर्नमेंट को जनता से या अलग अलग चीजों से आय प्राप्त हो रही है, वो बैलेंस है। लेकिन वो सारा थोप दिया जाता है, लेकिन कैपिटल जो बजट होता है ना उसमें डेफिशिएट आता है, यानी गवर्नमेंट ने जितनी डिसइन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, वही चीज घाटे में जाती है आगे। कैपिटल बजट डेफिशिएट में जाना मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ना वो आप ज्यादा कर रहे हो एज कम्पेयर टू जो आप मतलब जो आपकी कैपिटल से कमाई हो रही है, तो वो चीज़ बिगड़ती है, वो चीज़ हमारा उसमें बिगड़ता है। तो अगर रेवेन्यू बजट सरप्लस हो जाए, सपोज करो आपका रेवेन्यू में आप ज़्यादा कमा रहे हो, आपने $20 एक्स्ट्रा कमा लिए, ठीक है, जो हमारा बजट था, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कैपिटल बजट डेफिशिएट में चली जाती है, ठीक है, एंड दिस डेफिशिएट इज मोर देन द सरप्लस, ठीक है, रेवेन्यू बजट इज इन द सरप्लस एंड द कैपिटल बजट इज इन द डेफिशिएट एंड द डेफिशिएट इज मोर देन द सरप्लस, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम यही मानेंगे क्योंकि इसमें ओवरऑल हम आर और सी कर रहे हैं। अगर कैपिटल बजट आपका डेफिशिएट हो रहा है, सपोज करो ये आपका $50 का डेफिशिएट हो रहा है, तो ये जो नेट है ये तो $30 का तो आपको हो ही रहा है ना ऑफिशियल डेफिशिएट, तो ऐसे में हम उसको ऑफिशियल डेफिशिएट मानेंगे। ओनली द मेन डिफरेंस इज कि हम इसमें बोरोइंग्स जो है वो ड्यूरिंग द कैपिटल रिसिप्ट वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इम्प्लीकेशंस आगे देखिए हम ऑफिशियल डेफिशिएट की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या क्या होती हैं, ट्रैप हो जाता है और इन्फ्लेशन महंगाई हो जाती है। ऑफिशियल डेफिशिएट मींस द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग्स आर नॉट ओनली इन्वॉल्व द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको मूल नहीं भरना है भाई, मूल के साथ साथ ब्याज दोनों चीजें भरनी है, बहुत बर्डन आ जाएगा, कंट्री पूरे तरीके से उधार के जाल में फंस सकता है अगर वो उसको टाइम पे मैनेज नहीं करेगा। इन्फ्लेशन देखिए, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मेनली बोरोस मनी फ्रॉम द आरबीआई टू मीट इट्स ऑफिशियल डेफिशिएट, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिशिएट रिक्वायरमेंट, इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आरबीआई से फिर पैसा ले लेगा अपनी ऑफिशियल डेफिशिएट को मीट करने के लिए। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी, आरबीआई फिर नई करेंसी छापेगा डेफिशिएट रिक्वायर को मीट करने के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट जब पैसा आरबीआई से ले रही है तो क्या करेगा, इकोनॉमिक में मार्केट सप्लाई बढ़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, ठीक है, अब जब आरबीआई से पैसा बेसिकली सरकारों के पास जाएगा और सरकार बेसिकली आगे इसको कहाँ पे पब्लिक पे ही देना है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा, राइट। आगे देखिएगा इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑफिशियल डेफिशिएट, इम्प्लीकेशन क्या क्या है इसकी ऑफिशियल डेफिशिएट की वो हम देख लेते हैं। विद द बोरोइंग्स एंड रीपेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी द इकोनॉमिक जो ग्रोथ है स्लो डाउन हो जाती है और बेसिकली द मनी बोरोड इन द फॉर्म ऑफ लोन इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है, सिंस द गवर्नमेंट हैज टू पे अ पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये सब हो सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइमरी डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट में बेसिकली क्या होता है, द प्राइमरी डेफिशिएट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिशियल डेफिशिएट। ऑफिशियल डेफिशिएट में हमने क्या करा था, इसमें हमने ना ये जो बोरोइंग्स थी बेसिकली इसको एक्सक्लूड करके रखा था, बोरोइंग्स, ठीक है, तो आपको भी पता है इसमें हमने बोरोइंग्स एक्सक्लूड करके रखे थे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ऑफिशियल डेफिशिएट में अगर हम माइनस कर दें, क्या माइनस करें, हम माइनस करें, अब इसमें तो हमने क्या करा था, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे बोरोइंग्स का, जो भी हमने उधार लिया है ना उसका इंटरेस्ट हम इसमें पे कर रहे थे। लेकिन हम अब जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल जो डेफिशिएट है ना, ऑफिशियल जो डेफिशिएट है इसमें ना हमने सपोज करो 50 करोड़ का लोन जो है वो उधार लिया, लेकिन हम इसमें ये 50 करोड़ का लोन तो इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बोरोइंग्स है वो इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना वो हम इसमें ऑफिशियल डेफिशिएट में इंक्लूड कर रहे थे, राइट, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, मतलब जो भी मतलब आपका जैसे मैंने आपको बताया था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो तो इसमें इंक्लूड था, सिर्फ एक बोरोइंग्स नहीं इंक्लूड थे इसमें, तो वो
तो वही इंटरेस्ट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो वो आपका प्राइमरी डेफिशिएट हो गया, ठीक है। प्राइमरी डेफिशिएट मतलब इंटरेस्ट पे आप माइनस करो, इसमें इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे थे। बोरोइंग्स तो एक्सक्लूड है ही है ऑफिशियल डेफिशिएट में, लेकिन उन बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो इंक्लूड था, तो वो इंटरेस्ट जो आप कर रहे थे, वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना, वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप उसको पे कर रहे थे, राइट। तो वो आप इसमें माइनस कर देना। उसके बाद देखिए, द पर्पस ऑफ मेजरिंग सच डेफिशिट इज टू नो द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स दैट अ गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इन द एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। इस डेफिशिट को मेजर करने का पर्पस क्या है? यही है कि आपने जो बोरिंग्स ली हैं, टू नो द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इन द एक्सपेंसिस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के बजाय गवर्नमेंट जो जो अमाउंट है उस बोरोइंग्स के उधार, जो जितना भी उधार लिया है, डेट गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इन द एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जो है वो कितना वो खर्चों में यूटिलाइज कर रही है अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट में जो पे कर रही है वो अमाउंट, मतलब जितना गवर्नमेंट ने उधार लिया है वो इंटरेस्ट ना चुका करके बाकी कितनी चीज़ों पे वो यूटिलाइज कर रही है दूसरे खर्चों में, ये पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं प्राइमरी डेफिशिएट का, राइट। उसके बाद देखिए लास्ट है आपका प्राइमरी डेफिशिएट। इन केस द प्राइमरी डेफिशिएट इज जीरो, सो आपको भी पता है ऑफिशियल डेफिशिएट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग्स, यानी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो बोरिंग्स के ऊपर क्या हो जाएगी, रिजोर्ट हो जाएगी, विच मीन्स द गवर्नमेंट इफ द प्राइमरी रिजोर्ट इज जीरो, अगर ये आपका जीरो हो जाए तो बेसिकली ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो घाटा होगा वो सिर्फ आपका क्या होगा, इंटरेस्ट का ही होगा, यानी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपकी बोरोइंग्स के ऊपर ही डिपेंड करती है जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। दस लो द जीरो, लो और जीरो प्राइमरी इंडिकेट द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू रिजोर्ट टू द एक्सटर्नल बोरोइंग्स टू मीट इट्स प्रीवियस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस एंड नथिंग गेट्स एडिड टू एग्जिस्टिंग लोन, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।